नमस्कार, वेलकम टू मंगल की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा। बहुत टेस्टी बनता है, सबको पसंद आए, बच्चों को तो ज़्यादा पसंद आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये। तो आइए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम देखते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का बटन है, अगर उसे क्लिक करेंगे आप तो ही अब तक मेरी रेसिपी पहुँच पाएगी। तो ज़रूर उसे क्लिक कीजिए और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए बनाते हैं हम कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा। और कॉर्न चिवड़ा के लिए चाहिए हमें कॉर्न। एक कॉर्नफ्लेक्स है, बाज़ार में आसानी से मिलते हैं, 100 ग्राम लिया है मैंने। 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम रोस्टेड चना दाल, करी पत्ता लीव्स, 1 टेबल स्पून चिवड़ा मसाला है, आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं, पाउडर शुगर अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं मिठास के हिसाब से, और नमक स्वाद के अनुसार। आइए बनाते हैं कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा। मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, हम कॉर्नफ्लेक्स फ्राई करेंगे। और इस तरह की हमें छलनी चाहिए जिसमें हम फ्राई करेंगे कॉर्न। इस तरह से रखेंगे इसमें ताकि तेल अच्छे से इसमें आ जाए, और थोड़े थोड़े करके हम कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे और इसे हिलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई हो चुके हैं हमारे कॉर्नफ्लेक्स। और इन्हें हम दूसरे बर्तन में टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो निकल जाएगा। इसी तरह से हमें सारे फ्राई कर लेने हैं। हमारे कॉर्नफ्लेक्स सब फ्राई हो चुके हैं, ऑयल निकालेंगे अच्छे से इसका, और सारे फ्राई कर लिए कॉर्नफ्लेक्स। अब हम सिंगदाना यानी पीनट्स फ्राई कर लेंगे। पीनट फ्राई करेंगे हम, पीनट हमारे फ्राई हो चुके हैं। ऑयल निकाल लेंगे हम इसका। इस टर्न में मूंगफली रोस्टेड चना दाल फ्राई करने का यही एक अच्छा तरीका है कि इसका ऑयल पूरा निकल जाता है। इसी पे डालेंगे हम, अब चना दाल रोस्ट कर लेंगे। फ्राई नहीं करना है हमें, इतनी काफी है। इसी पे डालूंगी मैं चना दाल। अब मैं करी पत्ता लीव्स फ्राई करने वाली हूँ। मैं करी पत्ता लीव्स फ्राई करूंगी। अभी करी पत्ता लीव्स फ्राई हो चुके हमारे, गैस ऑफ करूंगी मैं। और इन्हें भी कॉर्नफ्लेक्स पे डालूंगी। और हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई करने वाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं मसाला तैयार करूंगी। मुझे ऑयल दो चम्मच ऑयल लिया है मैंने। और इसी में फ्लेम एकदम स्लो करने वाली हूँ मैं। डेढ़ चम्मच ऑयल
ये ऑयल में गरम गरम इस कॉर्नफ्लेक्स पे डालने वाली हूँ। अच्छे से मिक्स कर चुके हम, इसमें मुझे नमक डालना है, नमक स्वाद के अनुसार, और पाउडर शुगर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कॉर्नफ्लेक्स चूड़े का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और तैयार है हमारा कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा। तैयार है हमारा कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा, बहुत टेस्टी बना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव ज़रूर मेरे मुझसे शेयर कीजिए और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल का बटन है, अगर उसे क्लिक करेंगे आप तो आपको मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरी रेसिपी को लाइक भी दीजिए, इन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिए और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी इस फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने में आसानी होगी। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।